हेलो फ्रेंड, मेरा विपुल, आप देख रहे हो ऑल हेल्प टिप्स विपुल को। चलिए कुछ जानते हैं आज लॉरियल के बारे में। ये है लॉरियल का हेयर शेडिंग क्रीम, ठीक है। ये दो आता है, एक स्टेप वन एक स्टेप टू, ये आप दोनों देख सकते हो, ठीक है। इसका वेट आता है 125 ml का एक क्रीम आता है, और एक आता है वाइल्ड ट्रियो न्यूट्रलाइजर, ठीक है। इसका MRP है 500 रुपया, सिर्फ 500। ये हेयर शेडिंग क्रीम है, एक न्यूट्रलाइजर है, एक क्रीम है, काफी अच्छा है। और ये लॉरियल की तरफ से लॉरियल एक्सटेंसो, ठीक है, काफी बढ़िया है। लॉरियल के प्रोडक्ट है, प्रोफेशनल है। लॉरियल जो कंपनी है पेरिस की, काफी अच्छा हमने मार्केट रिस्पॉन्स है। तो अगर आप बालों को अपने स्ट्रेट करना चाहते हो या सोच रहे हो, तो फिलहाल अगर आपको कम दाम में अच्छा ब्रांड चाहिए, ब्रांड वाला जो ब्रांड जो आप लोगों को बोल सकते हैं हम लॉरियल के यूज किया, तो आप लॉरियल के प्रोफेशनल पेरिस स्ट्रेटनिंग क्रीम आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बारे में अगर बोले तो सेम यूज है। पहले आपको क्या करना है, अपने शैम्पू कीजिए। शैम्पू करने के बाद कंडीशनर से अपने बालों को धो लीजिए। उसके बाद हेयर ड्रायर मशीन से, या नॉर्मल अगर आपके पास हेयर ड्रायर मशीन नहीं है तो आप नॉर्मल तौलिया से हेयर को जरा ड्राई करके पोछ लीजिए। पोछने के बाद स्टेप वन जो हेयर शेडिंग क्रीम आता है वो वाला आपको बालों में लगाइए। लगाने के बाद, ठीक है, 30 मिनट तक आप बालों पर लगा के रखिए। उसके बाद, ठीक है, नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। उसके बाद कंडीशनर देके धो लीजिए। उसके बाद फिर सुखा के लास्ट में आपको यूज करना है न्यूट्रलाइजर क्रीम। न्यूट्रलाइजर क्रीम यूज करने के बाद आधा घंटा रखने के बाद आपको छोड़ देना है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आपको लगाना है जो हीटर मशीन है, उससे आपको हेयर स्ट्रेटनिंग मशीन से हीट देना पड़ता है, ठीक है। एक घंटा तक आपको, अगर बाल ज्यादा कर लिए तो आप एक घंटे तक आपको हेयर को स्ट्रेट करिए हेयर ड्रायर मशीन से या हेयर स्ट्रेटनिंग मशीन से। अच्छी तरह से आपको हीट देने के बाद आपका हेयर स्ट्रेटनिंग हो जाएगा। और दूसरी बात है, आपको हेयर स्ट्रेटनिंग करने के बाद आपको केयर करना पड़ेगा। केयर के लिए मैं बोल दूंगा, आपको कोई नॉर्मल शैम्पू नहीं चलेगा, एक अच्छा ब्रांड वाला प्रोफेशनल शैम्पू यूज कीजिए। उसके बाद कंडीशनर यूज कीजिए, और तेल बालों में तो आपको ऑयल बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उसके लिए आपको सीरम यूज करना पड़ेगा, एक अच्छा ब्रांडेड कंपनी का सीरम आप यूज कर सकते हो। लॉरियल का भी आता है, दूसरा ब्रांड के भी आता है। तो अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझको नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको इसके बारे में और दूसरे कोई कंपनी के बारे में कोई वीडियो देखना है तो आप मुझको नीचे कमेंट करके बोलिए, या मेरा अलग से मेरा नंबर मैं आपको दे दूंगा नीचे, तो आप देख लीजिए। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझको जरूर कॉल कर सकते हो, ठीक है। और एक बात है, आप अगर हेयर स्ट्रेट करते हो तो उसको हेयर स्ट्रेट करने के बाद आपको फुल्ली केयर करना पड़ता है आपको हेयर को। अगर आप ठीक से नहीं केयर करोगे तो आपको हेयर शेडिंग ज्यादा दिन नहीं रहेगा। उसके बाद मत भूलिएगा कि आपका जो लॉरियल का है जो ब्रांड है, तब भी मेरा हेयर शेडिंग अच्छे से नहीं हुआ, क्योंकि हेयर शेडिंग होता है उसके हेयर शेडिंग करने के बाद बहुत तौर तरीके है। उसके बाद 24 आवर्स आपको हेयर में पानी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आपको बाल बिल्कुल खराब हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। और दूसरी बात मैं बोलूंगा, जो कोई हेयर शेडिंग कराता है उसके काफी रिस्पॉन्स अच्छा होता है, क्योंकि जो केयर करता है ठीक से उसके अच्छा होता है, ठीक है। और दूसरा बात है, आपको हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम ब्रांड में भी आता है, नॉन ब्रांड में भी आता है, लेकिन आप अगर हेयर स्ट्रेटनिंग आपको करना है या करनी चाहते हो तो कौन से ब्रांड लोगे, तो आपको सब तरह के ब्रांड मिल जाएगा। जो मेरे पास अभी फिलहाल है लॉरियल का, स्टिक्स का, बेरिना का, जो काफ़ी 3 वीडियो मैंने बना चुका हूँ। अभी लास्ट में जो मेरे पास आइडिया आया, जो अभी लॉरियल का बना हूँ, ठीक है। तो आज मैंने लॉरियल के बारे में बोल दिया, जिसकी MRP है 500, 125 ml का क्रीम आता है, 125 ml का न्यूट्रलाइजर आता है। इसके बाद मेरा वीडियो होगा मैट्रिक्स का, ठीक है। और क्योंकि आप हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम वाला वीडियो ज़्यादा पसंद करते हो, इसलिए मैंने सभी जितने भी हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम है मैं आपको सभी रिव्यू दूंगा। अगर आपको पर्सनल इसके बारे में कुछ जानना है तो आप मुझको फ़ोन भी कर सकते हो। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मुझको नीचे कमेंट कर सकते हो, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट का वीडियो देखना है तो, ठीक है फ्रेंड। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर हो सके तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों के काम के लिए भी आ लग सकता है, किसका भी हेल्प हो सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो लेके, अभी चलता हूँ, और मैं नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप कॉल कर सकते हो एनी टाइम, एनी प्रॉब्लम जस्ट कॉल मी, ठीक है फ्रेंड। बाय, फिर मिलेंगे,
ऐसे वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ज़्यादा सब्सक्राइब रहेंगे तभी ज़्यादा वीडियो मैं बना पाऊँगा। ओके फ्रेंड, बाय।